क्यों लग रही है ना रेस्टोरेंट में ऑर्डर की हुई कढ़ाई पनीर की सब्जी जैसी, पर ये हमने घर पे बनाई है। इसमें पनीर बहुत ही सॉफ्ट है और सब्जियां क्रंची। अगर आपने इसमें डालने वाले खड़े मसाले सीख लिए तो हो ही नहीं सकता कि आपकी सब्जी इस जैसी ना बने। हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। चलो एक बात बताओ, जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हो तो सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करते हो? भाई मैं तो सबसे ज्यादा कढ़ाई पनीर ऑर्डर करती हूँ, एंड आई एम श्योर आप सब में भी ज्यादातर लोग वही ऑर्डर करते होंगे। तो बस आज वही बनाने जा रहे हैं। बस मेरी बताई गई 2-3 टिप्स का ध्यान जरूर रखना। तो हो ही नहीं सकता कि आपका कढ़ाई पनीर भी रेस्टोरेंट या ढाबे में मिलने वाले कढ़ाई पनीर जैसा स्वाद ना बने। तो चलो इसको बनाते हैं। कढ़ाई मसाला बनाने के लिए लेंगे हम 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, दालचीनी की एक स्टिक, एक बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 टेबलस्पून जीरा एंड 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। इन सभी मसालों को पैन में डालकर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यही है वो सीक्रेट मिक्सचर फॉर्मूला जो सभी ढाबा या फिर रेस्टोरेंट में सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे 3-4 मिनट। रोस्ट करते वक्त हमें इन्हें लगातार चलाते रहना है और उसके बाद इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इनको ग्राइंड करके इनका मसाला बना लेंगे, जो कि है हमारा कढ़ाई मसाला। अब हम अपने पिसे हुए मसाले को छलनी से छान लेंगे, क्योंकि कुछ मसाले जैसे कि दालचीनी बारीक पिस नहीं पाती, इससे खाते वक्त मसाले का दरदरापन नहीं आएगा। और इस मसाले को आप मटर मशरूम, बिरयानी या फिर अपनी मनचाही सब्जी में डाल सकते हो और इसका स्वाद दुगना कर सकते हैं। उसके बाद पैन में डालेंगे हम 2 चम्मच घी। आप चाहें तो यहाँ ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और अपनी सब्जियाँ जैसे कि चॉप किया हुआ प्याज, चॉप्ड ग्रीन चिली, लहसुन और अदरक और साथ ही 2 मोटे कटे हुए टमाटर को हम भून लेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को हम एक साथ 1-2 मिनट तक भून लेंगे। जब ये थोड़े भुन जाएंगे और हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। प्याज को मैंने मोटा मोटा ही चॉप किया है। प्याज और अदरक लहसुन को हम एक साथ भून लेंगे और ताकि ये जल्दी पक जाए तो हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट। नमक डालने से ये जल्दी भुन जाएंगे और जल्दी नरम हो जाएंगे। तो हम इनको चलाते रहेंगे जब तक कि ये हल्के नरम ना हो जाएं, पर इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी क्रंचीनेस रखनी है। और फिर डालेंगे हम इसके अंदर अपने चॉप्ड टमाटो। टमाटर को भी मैंने मोटा मोटा चॉप किया है और उसके बाद हमारी चॉप्ड ग्रीन चिली। इन सबको हम एक साथ मिला लेंगे और इनको पकाएंगे हम 5-7 मिनट। जब ये हल्के नरम हो जाएंगे तो हम डाल लेंगे इसके अंदर अपने कैश्यू। यहाँ 10-15 काजू डाले हैं और इनको भी हम अपने मसाले के साथ पका लेंगे। इस मसाले को भुनने में लगे हैं हमारे 10-12 मिनट। अब हम इनको थोड़ा ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में पीस के इनकी प्योरी बना लेंगे। प्योरी हमारी अच्छे से ग्राइंड हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी बढ़िया आई है, क्योंकि प्याज और टमाटर पहले हमने भुन लिए थे तो अब सब्जी बनाते वक्त इसको पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब लेंगे एक पैन, उसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच घी और शेलो फ्राई करेंगे अपनी कुछ सब्जियों को, जैसे कि पनीर। मैंने यहाँ लाल, हरी और पीली 3 कैप्सिकम ली हैं, आप चाहें तो सिर्फ हरी से भी बना सकते हैं, और प्याज। सबसे पहले हम शेलो फ्राई करेंगे अपने पनीर को। तो पनीर को डाल लेंगे हम पैन के अंदर और घी के साथ इनको अच्छे से मिला लेंगे। इनको हम 1-2 मिनट तक पैन में ऐसे ही रखेंगे और जब ये एक तरफ से हल्के फ्राई हो जाएंगे तो इनको पलट देंगे। इसी तरीके से हम अपने सभी पनीर को पलट देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाएं। कुछ देर बाद दोबारा से इनको स्पैचुला से हम पलट देंगे। ये देखिए कितना सुनहरा रंग आ गया हमारे पनीर का और ये अच्छे से भुन गए हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। ये देखिए पनीर हमारे बढ़िया भुन गए हैं। अब हम उसी पैन में भून लेंगे अपनी शिमला मिर्च को। तो मैंने सभी शिमला मिर्च को डाल लिया है पैन के अंदर और इसको भी हम 1-2 मिनट तक भून लेंगे। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्की सी ये नरम हो जाए उतना ही हमें इन्हें भुनना है, यानी कि 1-2 मिनट। शिमला मिर्च हमारी भुन गई है, इनको भी हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। तो पनीर, शिमला मिर्च हमारी भुन गई है। नेक्स्ट हम डालेंगे अपने पैन के अंदर 1 चम्मच और घी।
और घी डालने के बाद हम थोड़ा सा भून लेंगे अपने प्याज। तो प्याज को भी मैं डाल रही हूँ पैन के अंदर और इनको भी मैं भूनूंगी 1 से 2 मिनट बस, बस इतना कि ये हल्के नरम हो जाए बट इनके अंदर क्रंचीनेस रहे। तो ये हमारे भुन गए हैं, इनको भी मैं निकाल लूंगी अपनी प्लेट के अंदर। बस अब आखिरी बार डालेंगे हम अपने पैन के अंदर 2 चम्मच घी और घी गर्म होने के बाद कुछ मसाले। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 तेज पत्ते और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। इनको हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर डालेंगे इसके अंदर हम अपनी टमाटो और अनियन की प्यूरी जो हमने पहले भून ली थी और उनको ग्राइंड कर लिया था। इस प्यूरी को हम अच्छे से अपने मसालों के साथ मिला लेंगे और इनको पकाएंगे हम 5 से 7 मिनट। मसाला हमारा पक चुका है और उसमें से आ रही है बहुत ही बढ़िया खुशबू। अब हम डालेंगे इसके अंदर दूध। दूध को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा दूध फटेगा नहीं और अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध करके हम इसमें डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। ये देखिए क्या बढ़िया ग्रेवी हमारी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट कहें या फिर ढाबा स्टाइल कहें, ये ग्रेवी बिल्कुल वैसी बनी है। इसको हम 5 से 7 मिनट और पकाएंगे जिससे थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और मसाले अपना फ्लेवर और अच्छे से छोड़ देंगे। आखिरी में डाल रहे हैं हम इसके अंदर अपना कढ़ाई मसाला जो हमने पहले तैयार किया था। मसालों को भून के उनको हमने पीस लिया था। कढ़ाई मसाला हमने इसमें डाला है लगभग 1 टीस्पून। तो बाकी का कढ़ाई मसाला आप किसी एयरटाइट डिब्बी में डाल के रख सकते हैं और जब भी आप दोबारा सब्जी बनाएं तो इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और इसको मिला लेंगे अपने मसाले के साथ। और मसाले के अंदर डाल लेंगे हम अपने शैलो फ्राई किए हुए वेजीज अब जो कि हैं प्याज, कैप्सिकम और पनीर। इनको हम मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि इनके ऊपर मसाले की एक बढ़िया कोटिंग आ जाए। ये देखिए क्यों है ना बनाना कढ़ाई पनीर कितना आसान। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना आखिरी इंग्रेडिएंट जो इसको बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर दे देगा। जी हाँ, कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हम हाथ से थोड़ा सा मसल लेंगे और डाल लेंगे अपने पनीर में और इसको भी पनीर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। क्या बात है, कढ़ाई पनीर हमारा बनके तैयार है और मुझे तो इसको देख के अभी से मुंह में पानी आ रहा है। आपके मुंह में आ रहा है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कढ़ाई पनीर हमारा बनके तैयार है। इसको आप पूरी, नान, पराठे या चावल के साथ बनाएं, खुद भी खाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं। और जब भी आप बनाएं अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। आई होप जितना मज़ा मुझे ये वीडियो आपके लिए बनाने में आया है उतना ही मज़ा आप सभी लोगों को इसको देखने में आया होगा। कढ़ाई पनीर हमारा बनके तैयार है, चलो इसको टेस्ट करते हैं कि ये बना कैसा है। वो आप लोग अभी तक यही हैं, मैं तो पनीर में बिल्कुल खो ही गई थी। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके कढ़ाई पनीर ज़रूर बनाएं, आप भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खुद भी खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। और कढ़ाई पनीर में यूज़ होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल आशिमास किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए एंड साथ ही मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आशिमास किचन को भी फॉलो कर ले। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।